पर्सनल ओपिनियन यह है कि ऐसे लोगों को ना लिटरली बीच चौराहे पर खड़े करके इतना छलनी कर देना चाहिए शरीर गोलियों से भून करके कि दूसरे बेटियों को छूने की हिम्मत ना पड़े ऐसे अपराधियों की, उनकी रूह कांप जाए कि नहीं अगर हमने छुआ तो ये हाल होगा। देखिए इसमें पुलिस को सब कुछ पता है, क्राइम सीन है, उस बेटी के साथ जो अपराध किया गया वहाँ पर 4-5 लोगों को और देखा गया है। ये अपराध एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये गैंगरेप का मैटर है। पुलिस को मुझे लग रहा है सब कुछ पता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डिस्क्लोज किया उस चीज को तो उंगली उनके ऊपर ही उठेगी। रेप केस का जो आरोपी है उसकी माँ का कहना कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। इस देश के अंदर जो माँ है उनका बेटा आतंकवादी हो, उनका बेटा कितना भी बड़ा मर्डरर हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। इतने रेप के केस को देखा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं उनकी क्या माइंडसेट होती है कि वो इस लेवल तक किसी को जान से मार देंगे रेप करने के लिए? ये जिस बेटी के साथ अपराध करे उसको ये एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर ही नहीं करते, चाहे वो निर्भया केस की बात करें, जिस तरीके से उनके साथ क्रुएलिटी की गई तो वो एक एनिमल वाली जो है, जानवर वाली जो मानसिकता है, वो मानसिकता उनके दिमाग में रहती है। वो फ्रंट से कुछ भी दिखे, सोसाइटी के बीच में घूम रहे, लेकिन वो जानवर वाली मानसिकता लिए घूम रहे हैं। बाकी डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। एक केस में जब एक अपराधी को पकड़ा जाता है, वो उस केस का ट्रायल जो है 5-10 साल चल रहा है, तो वो अपराधी तब तक छूट करके बाहर आ जाता है, बेल पर आ जाता है, बेल पर आकर के वो क्राइम कर रहा है अगेन। नहीं है सरकार का डर, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक्शन नहीं, फीमेल को रिएक्ट करना चाहिए इमीडिएटली। कोलकाता में ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर की रेप केस के बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। आज हमारे साथ सीमा समृद्धि हैं, निर्भया को न्याय दिलाने वाली वकील। अब आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है और क्या जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जा पाएगी। देखिए जो आपने बताया कि क्या जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जा सकती है इस केस में, मैंने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उनका स्टेटमेंट सुना। उनका ये कहना था कि इस केस में हम डेथ पेनल्टी दिलवाएंगे, लेकिन उनसे मेरा एक पहला सवाल है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन तो सही करवा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो क्रुएलिटी की गई है उस बेटी के साथ, वो इंडिकेट कर रही है कि ये अपराध एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये गैंगरेप का मैटर है, ये कई एक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो लोग कहाँ हैं? अरेस्टिंग तो अभी एक ही व्यक्ति की हुई है, तो डेथ पेनल्टी से तो बाद में अवॉर्डेड होगा, वो तो कोर्ट प्रोसीजर है, वो कोर्ट का ट्रायल का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन अगर सही से नहीं हो पाएगी, फेयर नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि डेथ पेनल्टी तो दूर की बात, आप उसका कन्विक्शन भी करा पाएंगे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशरी के कि आज हमारे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वेस्ट बंगाल सरकार को कि इसमें सीबीआई की जाँच हो, तो अब मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद सीबीआई की जब जांच होगी तो सारी चीज़ें जो सही एक्चुअल में जो क्राइम जिन लोगों ने किया है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, उनके नाम भी सामने आएंगे। तो अभी तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है जी। मैम मेरा सवाल ये है कि उस आरोपी ने सीधे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने रेप किया है, मुझे आप फांसी की सज़ा दे दो, तो क्या इसमें फिर डिले क्यों हो रहा है, और इसमें कहाँ से एंगल आ रहा है कि इतने ये हो सकता है गैंग रेप का? देखिए इसमें पुलिस को सब कुछ पता है, मैंने पुलिस के स्टेटमेंट सुने, जिस दिन से ये क्राइम हुआ उसके बाद से पुलिस इसमें कभी भी कुछ भी क्लियर कट नहीं बता रही है, वो नहीं बता रही है। इवन कि अभी पता चला है कुछ टाइम पहले कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज अदर लिए गए, अदर जो सेमिनार हॉल में कैमराज लगे हुए थे जहाँ पर ये क्राइम सीन है, उस बेटी के साथ जो अपराध किया गया वहाँ पर 4-5 लोगों को और देखा गया है, तो पुलिस अभी तक कहाँ थी? अदरवाइज क्या होता है कि कुछ ऐसे कभी मैटर हो जाते हैं, पॉलिटिकल अगर मैटर होते हैं जो बेटियों के अगेंस्ट क्राइम वाले नहीं है, उसमें तो एक से ज़्यादा आप तमाम लोगों को जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको आप उठा लेते हैं। क्या इस बेटी के जीवन की, उसके लाइफ की इतनी कीमत नहीं है, उसकी डिग्निटी की, कि एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया और आप अभी उन सस्पेक्टेड को, जिनका 5-6 दिन हो गया उसके बावजूद भी उन सस्पेक्टेड लोगों को भी नहीं आपने सीसीटीवी कैमराज देख करके उठाया, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेस्ट बंगाल पुलिस पर।
तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है सीबीआई का, तो उम्मीद है कि सही इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी एक और चीज मैंने नोटिस करा कि निर्भया के साथ जब अपराध हुआ था, देश की राजधानी दिल्ली में, वो 16 दिसंबर 2012 की बात है, और जैसे ही पता चला दूसरा दिन, तो पूरा देश एकदम से उबल गया कि नहीं, इस बेटी के जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। पार्लियामेंट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक, इवन की भारत के हर कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर जाति धर्म वर्ग का, हर प्रोफेशन का व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा था। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर बेटी थी, तो आम पीपल क्यों नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और वर्क प्लेस पर ये क्राइम हुआ है, जिनको हम बेटियों की सुरक्षा में लगा रहे हैं, उस रेजिडेंट जो डॉक्टर थी, वो आप सोचिए कि वहाँ पर जो व्यक्ति है जिसको अक्यूज को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, वो एक सिविक पुलिस है वहाँ पर, जो मेन पुलिस को कॉपरेट करती है, उसके संरक्षण के लिए रखा गया, बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो व्यक्ति ही क्राइम कर रहा है। तो ये आप समझिए कि जिनके संरक्षण के लिए हम जिनको दे रहे हैं कि वो उनको सेफ और सिक्योर करेंगे, वही लोग क्राइम करेंगे। ये तो पुलिस पे भी सवाल उठता है ना, कि आप ऐसे आदमी को वहाँ पे ऐसी अथॉरिटी दे दे रहे हैं कि आप खुले आम घूमो, और ऐसी मानसिकता वाले आदमी को। और मुझे जैसे पता चला है कि पुलिस का बिल्कुल, ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की और वहाँ की गवर्नमेंट की ये नेग्लिजेंसी है, कि अगर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी नहीं होती तो डेफिनेटली कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो अभी तक के इस केस के फैक्ट हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया वहां पर, जो कि ऑलरेडी, जैसे मुझे पता चला है कि उसका जो बैकग्राउंड अगर देखा जाए कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का ही व्यक्ति है, उसने कई एक शादियां करी और उन फीमेल के साथ भी उसने गलत तरीके से व्यवहार किया और उनको फिर छोड़ा, ये सारी चीजें, तो आप कोई रिकॉर्ड ही चेक नहीं कर रहे हैं। तो बिना रिकॉर्ड चेक किए कि जिसको हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं वो व्यक्ति का कंडक्ट क्या है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसमें तो मुझे लगता है कि ये जिस एरिया में, जिस थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर तो सस्पेंड किया जाना चाहिए था। और इसके लिए जो डॉक्टर्स वहाँ प्रोटेस्ट करें, कि सबसे पहले तो माफ़ी मांगे इस चीज़ के लिए कि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया, क्योंकि आपने एक गलत व्यक्ति को अपॉइंट किया, पहली बात। दूसरी, कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज हैं, उससे ये लगता है कि ये गैंगरेप का मैटर है। तो जब ये गैंगरेप का मैटर है, तो अभी तक पुलिस कर क्या रही है? अदर अक्यूज जो हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज इसमें जो आ रही है, कि वहाँ की पुलिस को मुझे लग रहा है सब कुछ पता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डिस्क्लोज किया उस चीज को, तो उंगली उनके ऊपर ही उठेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी जब भी कोई ऐसे क्राइम होते हैं, तो पुलिस खुद दबाने की कोशिश करती है कि जनता का गुस्सा ना फूटे, लेकिन आज भी जरूरत है पूरे देश को यूनाइट होने की, क्योंकि हर घर की बेटी, एक तरफ हम बेटियों को एम्पावर्ड करने की बात करें, तो हर घर की बेटी काम करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, उसको हमें सिर्फ एम्पावर्ड फाइनेंशियली नहीं करना है, उसकी जान को भी बचाना है, उसको ऐसे अपराधियों से भी बचाना है जो इतना हीनियस क्राइम कर रहे। तो ये कलेक्टिवली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये तो पल्ला झाड़ने जैसा हो गया है। और वेस्ट बंगाल में आए दिन मैं सुनती रहती हूँ, मेरे पास उससे पहले भी एक, जब निर्भया के साथ हुआ, उसके बाद भी एक बेटी के साथ गैंगरेप का केस हुआ था, अभी जब इलेक्शन का टाइम था, उससे पहले भी एक वो टीएमसी के कोई नेता थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने रेप करा था, वो मैटर भी काफी मीडिया में आया, सारी चीजें वो। तो आए दिन ऐसा होता जा रहा है, और आप एक पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हम इनको डेथ पेनल्टी कराएंगे। क्या देश के लोग बेवकूफ हैं कि डेथ पेनल्टी कह देना, और ये निर्भया केस में मैंने फील किया, और डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड करा के उसको एग्जीक्यूट करा देना, इस देश के अंदर आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। और वो हम सभी ने देखा कि निर्भया केस में 7 साल 3 महीने लग गए थे। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 लोगों को एक बार फांसी की सजा एक केस में दी गई है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो इतना आसान नहीं था। हम अपराधियों से लड़ते लड़ते हमें सिस्टम से लड़ना पड़ा था, और इस बिटिया के साथ जो अपराध हुआ है, इसमें भी उन अपराधियों को तो पहले हमें सिस्टम से इसे खोज के दे दे कि एक्चुअल कल्प्रिट, नंबर ऑफ कल्प्रिट एक नहीं एक से ज्यादा है, जब वो देंगे तब तो सही मायने में उस बेटी के साथ जस्टिस होगा।
अदरवाइज जिसको आपने ढूंढ करके दे दिया उसने कन्फेस भी कर लिया पुलिस के सामने, और पुलिस की कन्फेशन की जो अकाउंटेबिलिटी जो कहेंगे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी वो उसकी नहीं है उतनी, कि जो कल्प्रेट पुलिस के सामने हो सकता है डर की वजह से एक्सेप्ट कर लिया, एक्चुअल में इसमें कोई और भी एंगल हो, एक्चुअल में किसी और को भी बचाया जा रहा हो इसलिए इसको भी आगे कर दिया गया हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी थी। अब देखते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि और इसमें सीबीआई का जो एंगल आया है इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो डेफिनेटली उस बेटी को जस्टिस मिलेगा। आपने एक बेटी को न्याय दिलाया निर्भया, उनकी माँ के साथ भी आपने आप बहुत दिन रहीं, यहाँ एक आरोपी का जो ये कोलकाता है कोलकाता रेप केस का जो आरोपी है उसकी माँ का कहना कि मेरे बेटे ने ऐसा रेप ऐसा कुछ काम नहीं किया, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं या उसे दबाव के अंदर वो किया जा रहा है, तो क्या अगर ये आरोपी जो एक्सेप्ट कर ले रहा है डायरेक्ट कि मैंने रेप किया है तो क्या क्यों क्या लग रहा है कि माँ क्या सोच रही है? देखिए उत्कर्ष जी, अगर हम इस पर डिटेल बात करें सोसाइटी के स्ट्रक्चर की, तो इस देश के अंदर जो माँ है उनका बेटा आतंकवादी हो, उनका बेटा कितना भी बड़ा मर्डरर हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, ये माइंडसेट है। तो उसकी माँ की बातों पर वो उनकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो इसमें नहीं है, तो भाई फिर कैसे, जो अभी पुलिस की भी एक इन्वेस्टिगेशन आई है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए उसके, वहाँ पर वो पाए गए हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि वो वहाँ मौजूद था और वो उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर डेड बॉडी है उस बिटिया की, तो इसको हम बाहर तो नहीं कर सकते, माँ की बात पे नहीं जा सकते। अब दूसरा अगर एंगल की बात करें कि जो ये लड़ाई है बेटियों को सेफ्टी उनकी सिक्योरिटी की लड़ाई है, ये घर के अंदर भी माओं को भी लड़नी पड़ेगी, अगर उनके बेटे कल्प्रेट हैं तो उन माओं को आगे आकर के अपने बेटों को ना पुलिस को देना पड़ेगा कि ये एक देश की बेटी के स्वाभिमान सम्मान उसके जीवन की उसके सेफ्टी सिक्योरिटी की लड़ाई है। तो ऐसे अपराधी कहीं पर भी हों किसी के घर में भी हों उनको फ्रंट पर जिस दिन कर दिया माओं ने बहनों ने, तो मुझे लगता है कि आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। और मैंने बहुत सारे केसेस में ये नोटिस किया है, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, एक दो हुए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक सेंगर जो थे उनका केस था, उसमें उनकी वाइफ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही मेरे पति ने ये नहीं किया। अब इसके पीछे कारण ये भी अगर और हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि उस घर को मेंटेन करने वाला बेटा है, अब वो बेटा क्रिमिनल है, पति क्रिमिनल है, उससे हमें लेना देना ही नहीं है, वो एक हमारी कॉमन जो लड़ाई है इस जेंडर को उसके प्रति सेंसिटिव बनाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की, वो उनके लिए गॉड है, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि अगर ये व्यक्ति जेल चला गया चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी है तो मेरा क्या होगा। तो एक तरफ उनको भी हमें इतना एम्पावर्ड और इतना हमें लॉजिकल बनाना है कि वो दूसरे घर की बेटी के सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोच पाए, ना कि अपने घर के बेटे को प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो ये चीजें भी जरूरी हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। मैं एक चीज पढ़ रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, जो चीजें उसमें मेंशन की गई कि आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से, गले की जो हड्डी है एडम्स एप्पल और ये सब टूट चुकी हैं, तो ये मैं एक वो आपने इतने केस को देखा है, इतने रेप के केस को देखा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो रेपिस्ट होते हैं उनकी क्या माइंडसेट होती है कि वो इस लेवल तक किसी को जान से मार देंगे रेप करने के लिए? देखिए एक चीज़ तो ये है कि इसमें मैं जनरली मैंने देखा है, ये बेटर आपको जो डॉक्टर्स हैं जो इन सारे फील्ड के वो बेटर बता पाएंगे कि मानसिकता क्या होती है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस भी ये अपराधी हैं ये जिस बेटी के साथ अपराध करे उसको ये एज ए ह्यूमन बींग कंसिडर ही नहीं करते, चाहे वो निर्भया केस की बात करें जिस तरीके से उनके साथ क्रुएलिटी की गई, तो वो एक एनिमल वाली जो है जानवर वाली जो मानसिकता है वो मानसिकता उनके दिमाग में रहती है, वो फ्रंट से कुछ भी दिखें सोसाइटी के बीच में घूम रहे लेकिन वो जानवर वाली मानसिकता लिए घूम रहे हैं तभी जब उनको मौका मिलता है। और ऐसी हमारी कोई बेटियां ऐसे प्लेस पर या कहीं पर भी बस में स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी होती हैं तो उनके साथ ये अपराध होता है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों की वो मानसिकता क्यों पनप रही है,
क्या हमारी अपब्रिंगिंग में वो कमी है, क्या हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ पर हमें मोरलिटी की डेफिनेशन को बना करके हमें जो मोरलिटी सिखानी है हम क्या उस पर काम कर रहे हैं, क्या हम उस इथिक्स पे काम कर रहे हैं कि एक बच्चे के साथ स्कूल में बैठने वाली दूसरी बच्ची वो ह्यूमन बीइंग है, ना कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ना कि वो एक डिफरेंट जेंडर है। वो डिफरेंट जेंडर हो सकती है लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग। तो हम उसके प्रति उसको सेंसिटिव नहीं बना रहे हैं और उस बेटी को हम उस तरीके से नहीं बना रहे कि वो सोसाइटी का मेन रोल में आ सके। उसको हम अपब्रिंगिंग में एक को गुड़िया दे दे रहे हैं, दूसरे को वेपन दे दे रहे हैं। तो जो गुड़िया है वो सेंसिटिव है, जो वेपन लिए है वो बाहुबली है, और बाहुबली क्या करता है, वो क्राइम कर रहा है। तो ये बहुत सारे एंगल पे मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी इस केस की बात करें या निर्भया केस की भी बात करें, जितने भी केसेस मेरे पास, मैं हैंडल कर रही हूँ, एक केस का एग्जाम्पल दूंगी। पड़ोसी है, 15 साल की बच्ची है, उसका रेप करके उस बेटी को केरोसिन डाल के जिंदा जला देता है, और वो बेटी को फिर कहता है कि अगर तूने सच बताया तो तेरे भाई को भी मार देंगे। वो बेटी डर के वजह से स्टेटमेंट कुछ और दे रही है, बाद में जब वो दूर होते हैं तो वो सच बताती है। उसमें मैं केस फाइट करी, मेरी जान को खतरा है, जो दूसरे काउंसिल को खड़ा किया उनकी जान को खतरा है, डॉक्टर्स बयान देने आ रहे उनकी जान को खतरा है। तो ये लड़ाई तो अपराधियों को सजा दिलाने की तो बाद में हो जाती, पहले तो फिर कहीं कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हो जाती है, ट्रायल को सही से जो केस है उसका ट्रायल सही कराने की हो जाती है। और उससे भी पहले ज़रूरी है, निर्भया केस की बात करें, अभी ये वेस्ट बंगाल में हमारी डॉक्टर बेटी के साथ जो अपराध हुआ उसकी बात करें, या हजारों बेटियों की बात करें, ग्रास रूट लेवल पर काम ये करना है कि हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें हमारी डिग्निटी के साथ जीवित रहने का अधिकार है, हमें वो प्रिवेंटिव रिलीफ चाहिए जिससे हमारे खिलाफ क्राइम ही ना हो। तो उस एंगल पे तो हम काम ही नहीं कर रहे। और दूसरा, मैं निर्भया केस के बाद दिल्ली में बात चली कि जो डार्क स्पॉट हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे। उत्कर्ष जी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अभी एक केस हुआ था सादाबाद डेयरी के पास, उस बेटी को 35 जो चाकू मार दिया गया। अब उसमें देखा कि वो सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें वो दिख रहा है। एक छागला केस हुआ, उसमें वो कार में वो बेटी को वो लेते घट, वो भी सीसीटीवी कैमराज में। हम सीसीटीवी कैमराज का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें रिकॉर्डिंग आ जाए, बाद में वो इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प करेगी, ना कि जो सीसीटीवी कैमराज का ऑपरेटर है वो ये प्रिवेंटिव मेजर्स का काम करे वहाँ बैठ करके कि इमीडिएटली उसको कैमरा को ऑपरेट करे उस सिस्टम को, और वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करे कि वहाँ पर ऐसा क्राइम हो रहा है और ये हमारे कैमरा में ये फुटेज है, अब जा करके उसको प्रोटेक्ट करें। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स पर हमें काम ही नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं इस चीज पर कि चलो अपराध हो गया है, अब इसको फांसी की सजा दिलानी है। की बात का बात क्या, इस निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। अगर डिटरेंस होता तो ये अपराध नहीं होता, अगर उनका डर होता तो दिशा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में उस बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद हजारों बेटियां, अभी अयोध्या में एक बेटी के साथ अपराध हुआ, मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस मैं बता दूंगी जो कि मीडिया में नहीं है, तो उन बेटियों के साथ नहीं होता। तो डिटरेंस भी ज़रूरी है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी का जो माइंड सेट है एक जेंडर का वो बदले महिलाओं के प्रति, तब तो हम अपनी बेटियों को सेफ सिक्योर कर पाएंगे, अदरवाइज तो आए दिन ऐसे मैटर होते रहेंगे। क्या आरोपियों के अंदर सरकार का या कानून का कोई डर नहीं रहा? इतने कड़े प्रावधान हैं, डेथ पेनल्टी तक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं? अगर डर होता तो फिर ये क्राइम नहीं होता। अब जैसे आपने कहा कि डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक केस में जब एक अपराधी को पकड़ा जाता है वो उस केस का ट्रायल जो है 5 साल 10 साल चल रहा है, तो वो अपराधी तब तक छूट करके बाहर आ जाता है, बेल पर आ जाता है, बेल पर आकर के वो क्राइम कर रहा है अगेन, तो फिर कहाँ से उसके अंदर डर होगा? नहीं है सरकार का डर, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जब ये ट्रायल बहुत लंबा चलता है तो जो अपराधी बाहर आ रहा है वो चैलेंज कर रहा होता है सरकार को कि आप देखो हमने क्राइम भी किया और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें उत्कर्ष जी, एक और अगर हम चीज़ पर बात करें कि अगर मैटर थोड़ा सा ऐसे है कि किसी का स्टॉकिंग का मैटर है,
किसी बेटी को कोई स्टॉक कर रहा है या किसी का हरासमेंट का मैटर है, उसमें थाने से बेल मिल जा रही, इमीडिएटली उनमें कोर्ट से बेल मिल जा रही, 10 दिन में मिल जा रही, 15 दिन में मिल जा रही। इन केसेस को हम कैसे केसेस कंसीडर कर रहे हैं कि ये हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जो है जिसको एक्यूज्ड को बेल मिली है उसका माइंडसेट क्या है कि इस फीमेल को मैंने स्टॉक किया, इसके साथ मैंने फिजिकल टच किया, इसका हरासमेंट किया, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे खिलाफ FIR कराई, तो वो आ करके उस बेटी का मर्डर भी कर रहा है, उसको और हरास कर रहा है। और ऐसा एक केस आपको याद होगा, 1-2 साल पहले हाथरस में हुआ था, एक बेटी को खेत में, वो अपने फादर के साथ काम कर रही थी, उसके फादर को उसने गोली मार रही थी सिर में, और वो इसीलिए मारी थी क्योंकि उसके फादर ने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो 354 IPC का मैटर था। अब आप समझिए कि कितना हमें कलेक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को उस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है। डर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम फेल हैं एज ए सिस्टम, हम कानून बना दे रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे, सरकार की नाकामी है, और वो साफ दिख रही है, इस केस में भी दिख रही है। अगर सरकार की नाकामी नहीं होती तो जिस सिविक पुलिस को वो अपॉइंट करे वही अपराध करता क्या? तो इसमें तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी नाकामी है कि आप ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसमें तो एक लूप होल हो गया ना कि जो हम लोग पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ों को वो करते हैं, आपने तो पुलिस ने उस तरह की, अगर इस पर लार्जेस्ट लेवल पे मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन जो CBI ने किया है ना, तो इसमें तो पूरी चैन जो है जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उन सबको सस्पेंड करना चाहिए और उनके अंगेंस्ट में भी चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड कहाँ है कि आप जिनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जिनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे करेक्टर का है, उसके पीछे क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं, ये सारी एंगल्स आपने चेक करे हैं? अगर नहीं करे हैं तो इस बेटी के डेथ के लिए तो फिर सिस्टम ही जिम्मेदार हो गया ना, तो पहले तो इस सिस्टम को पनिश किया जाना चाहिए, देन आफ्टर वो फिर अक्यूज्ड को पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन उत्कर्ष जी वही बात है कि निर्भया केस में 7 साल लगा, लोग तो होप भी खो चुके थे कि होगी भी कि नहीं होगी उसमें नाबालिग, लेकिन इस परिवार की जो बेटी है उसकी माँ, उसके परिवार को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को डटे रहने की ज़रूरत है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी मैं जल्दी उस परिवार से कॉन्टेक्ट करूँगी, मेरी जो लीगल हेल्प की उनको ज़रूरत है, डेफिनेटली मेरी वहाँ पर जो टीम है वेस्ट बंगाल में, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं जाऊँगी, मैं हेल्प करूँगी। इस देश में कोई भी बेटी कभी निर्भया ना बने, इसीलिए ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक पनिशमेंट, टाइम बाउंड पनिशमेंट देने की बहुत ज़रूरत है, और वो पनिशमेंट भी जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं उन सबको देने की ज़रूरत है, ना कि एक आ गया फ्रंट पर और उसी को हम आगे करके बाकी जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं उनको छोड़ दें, तो वो एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करेगा कि ये सिस्टम अपनी बेटियों को सेफ्टी सिक्योर करने में तो फेलियर है ही, लेकिन उसके अलावा उनको जस्टिस को भी नहीं वो प्रवेल करवा पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। आखिरी 2 सवाल एक छोटे छोटे कि आपको क्या लगता है कि ये जो वर्क प्लेस पे जो चीज़ें हो रही हैं, वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रहा है, जो ये कोलकाता वाला केस भी है वो भी वर्क प्लेस पे ही हुआ, और कॉरपोरेट ऑफिसों और इन सब में भी चीज़ें होती हैं, सीनियर्स करते हैं, चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे महिलाएं रोक सकती हैं, महिलाओं को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए एक्शन तो सबसे मुझे लगता है जो मैं अभी तक अपने को समझ पाई हूँ सारी सिचुएशन, एक्शन नहीं, फीमेल को रिएक्ट करना चाहिए इमीडिएटली, और वो रिएक्ट जितना भी परिवार, जिस परिवार से वो बिलोंग कर रही हैं, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए उनको कि अगर हमने अपनी घर की बेटी को बाहर निकाला है तो उसके साथ अगर कोई अपराध होगा तो उसको रिएक्ट करने का हमें अधिकार देना है, ना कि उसको ये बोलना है कि नहीं बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए। बदनामी इज्जत कौन, ये माइंडसेट की बात है, वो व्यक्ति कैसे बदनाम हो सकता है जो विक्टिम है, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एक हेल्दी सोसाइटी का पार्ट है फीमेल, और उसके साथ अपराध हो रहा है, तो जो अपराधी है वो इस सोसाइटी के लिए एक इविल का काम कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ अगर खड़ा होना है तो ये मानसिकता सिर्फ फीमेल की नहीं, ये पुरुषों की भी होनी चाहिए। और मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे मेल हैं, मैं देखती हूँ, चाहे वो निर्भया केस की भी बात करें या अभी इस बिटिया के जो डॉक्टर के साथ अपराध हुआ उसकी भी बात करें, हमारे मेल जो हैं पर्सन आकर के फ्रंट पर उनकी लड़ाई लड़ रही, तो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो चाहता है
कि हमारी घर की फीमेल सेफ हो, सिक्योर हो, हमारी देश की फीमेल सेफ सिक्योर हो, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई तो करना होगा जो ऐसे माइंडसेट के लोग बैठे हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। तो जिस दिन हमारी फीमेल ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, कुछ नहीं तो भाई आप एक थप्पड़ मारो, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। अब इश्यू ऑन द स्पॉट रिएक्शन, रिएक्शन करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी जॉब भी सिक्योर करनी है, पता चला कि एक कंपनी में जहाँ पर फीमेल काम कर रही है उसके साथ अगर हरासमेंट हुआ है, तो वो अगर उस सीनियर अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेन करेगी तो वहाँ से कंपनी से उसको पता चला रेड फ्लैग दे दिया जाएगा, रेड मार्क कर दिया जाएगा, उसको कहीं कंपनी में काम नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में उसको बायकॉट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल राइट से, जो कि एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट है, राइट। तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फीमेल से कहूँगी कि देखिए, जब तक सामने वाला ऑनेस्ट है आप ऑनेस्ट रहिए, अगर सामने वाला क्रिमिनल है तो भाई आपको कम से कम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए स्मार्टली तो वर्क करना होगा। सीनियर के ऑफिस में जा रही है अगर क्राइम कर रहा है, तो भाई आप एक हिडन कैमरा तो रख सकती हैं, आप रिकॉर्डिंग तो ऑन कर सकती हैं, आप कुछ तो ऐसा कर सकती हैं। आप सिर्फ सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, आपकी अपने प्रति भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को सेफ सिक्योर रखें और आप अपनी डिग्निटी को भी बचा करके रखें, कोई आपको हार्म ना पहुंचा पाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उसके लिए स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सोसाइटी का माइंडसेट बदलना। अभी एक केस मेरे पास आया है, एक बच्ची 14 साल की थी, उसके रियल मौसी के बेटों ने उसके साथ रेप किया। वो बच्ची अपने मदर से कह रही, उसने मना कर दिया, अपने उसने मैटरनल अंकल से कहा, उन्होंने मना कर दिया। अब उस बेटी के साथ क्या हो रहा है कि जब भी वो रिलेटिव्स के बीच में फंक्शन में जा रही है और वो दिख रहे हैं तो वो हंस रहे हैं उस पर। आप समझिए कि क्या होगा कि जिस बेटी के साथ 14 साल की थी रेप किया उन्होंने और वो अब उसको देख करके हंस रहे हैं और अनअप्रोप्रिएट तरीके से उसको टच भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस देश की आबादी की 50% का जो हिस्सा है वो बेटी, उसको आपने जिंदा लाश बना करके छोड़ दिया है, जबकि वो ब्रेन इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस सोसाइटी को एक नया स्ट्रक्चर दे सकता है, इस सोसाइटी को कुछ इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है। दे तो रही है लेकिन ऐसे क्राइम हो रहे हैं तो वो रोक भी तो रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई एक्शन ही नहीं है, उस पर हम प्रिवेंटिव वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है कि बेटी के साथ क्राइम हो गया। निर्भया की मदर को मैं कहूंगी, मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम डिस्क्लोज किया कि मेरी बेटी की क्या गलती थी, लेकिन हमने कानून ही इस तरीके के बनाए हैं कि नहीं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बाद में उसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, नहीं उस लड़की को गलत निगाह से लोग देखेंगे। तो ये सोसाइटी के कौन लोग हैं और वो क्यों देखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों देखेंगे? वो इसलिए देखेंगे क्योंकि हमने एज ए सिटीजन हमने उनको अलाउ कर रखा है कि ये बेटी के साथ ये क्राइम हुआ तो ये विक्टिम है। वो विक्टिम नहीं है, वो विक्टिम के साथ साथ वो सर्वाइवर है और वो सर्वाइव करके अपनी लड़ाई लड़ रही है। उसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक अक्यूज के वजह से, एक आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति के वजह से उसको हमें पनिश कराना है और तुम्हें हमें प्रमोट करना है। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया तो हमारी बेटियाँ इस डर के वजह से जो उनके साथ क्राइम हो रहा है वो छुपाना बंद करेंगी और वो वोकल होंगी। फर्स्ट स्टेज पर ही अगर हम फैमिली में जिन बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है वो बोल पाएंगे, वो बात कर पाएंगे, अगर स्कूल कॉलेज में हो रहा है तो वो बोल पाएंगे, तो जो हीनियस क्राइम होने से हम रोक पाएंगे। तो इन सब पर वर्क करने की उत्कर्ष ही बहुत जरूरत है। छोटा सवाल कि आप एक महिला हैं, महिला के तौर पर आपको क्या लगता है कि इन आरोपियों की तरफ क्या कठोर से कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए? एक फांसी तो हो गई कि उसके बाद तो आप कोई आप सजा नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे सरकार को ऐसे क्या नियम बना दे जिनसे इनकी रूह कांप जाए और ये ऐसे अपराध करने से डरें? देखिए, उनकी रूह तब कांपेगी जब ये मेटल फास्ट ट्रैक होंगे। डेथ पेनल्टी, मरने से सबको डर लगता है, ये भी रियलिटी है, लेकिन वो को पता ही नहीं है कि ये सिस्टम ऐसा है कि 7 साल बाद 8 साल बाद 10 साल बाद तो वो कॉन्फिडेंस में है। उतना तो हमने उनको जीवन दे दिया, उस बेटी को हम क्या दे रहे हैं जिसके साथ अपराध हुआ। तो ये फास्ट ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर फास्ट ट्रैक नहीं होगा तो वो उनके अंदर वो डिटरेंस तो तब आएगा कि
इस व्यक्ति के अंदर अभी कितना दिन हुआ है, डेज हुए हैं, हफ्ता भर हो गया, क्या हम एक महीने में, दो महीने में, जब उस व्यक्ति को पता होगा, जब उन अपराधियों को कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो गया, हमें दो महीने में भी फांसी हो सकती, आप देखिए कितना डिटरेंस पैदा होगा और इस तरीके के क्राइम रुकेंगे। जो उत्तर प्रदेश, आपकी राय में जानना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है, उसमें अगर जरूरत है, देखिए पुलिस एनकाउंटर का जो चीज है वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि हम ट्रायल नहीं चला करके उनका एनकाउंटर करेंगे, गवर्नमेंट का ये है कि जो अपराधी है उसको पकड़ेंगे, और अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो भाग जा रहा है और हम पर ही अटैक कर दे रहा है, तो भाई एनकाउंटर ऑप्शन है, तो एनकाउंटर वो इलीगल नहीं है, वो तो लीगली हम कर रहे हैं ना, जब हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें वो अपराधी कोऑपरेट ना करके उल्टा पुलिस पर ही अटैक कर रहा है। और मेरा जो अगर पर्सनल ओपिनियन कहें, यही मैं जानना चाहूंगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे लोगों को ना लिटरली बीच चौराहे पर खड़े करके इतना छलनी कर देना चाहिए शरीर गोलियों से भून करके कि दूसरी बेटियों को छूने की हिम्मत ना पड़े, ऐसे अपराधियों की उनकी रूह कांप जाए कि नहीं अगर हमने छुआ तो ये हाल होगा। हालांकि इसको फिर बहुत लोग ऐसे लेंगे तालिबानी फरमान है ये वो, तो क्या वो तालिबानी मानसिकता नहीं है जो इस बेटी को इतना ब्रूटल तरीके से क्राइम कर रहा है? हम ये कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे कि इस तरीके से करना चाहिए, पहले हमारी देश की हर बेटी को आप सेफ सिक्योर तो कर दो, तो हम इस तरीके से बोलना जो हमारे उसके प्रति इमोशंस हैं, जो जो अंदर से हम बेटियां फील कर रहे हैं कि इस कंट्री का इक्वल हिस्सा हम भी हैं, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, परिवार को बना रहे हैं, सोसाइटी को बना रहे हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम बॉर्डर नहीं बना रहे, हम हथियार नहीं बना रहे, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और आप हम ही को मार रहे हो, हमारी डिग्निटी को हार्म कर रहे हो, तो ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लड़ाई किसी जेंडर के खिलाफ नहीं है, मेल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई सोसाइटी की उस इविल, उस बुराई के खिलाफ है जो क्राइम कर रहे हैं, जो बेटियों को उनको एज ए जेंडर, एज ए इंसान ही ट्रीट नहीं कर रहे, तो उसके लिए तो कलेक्टिवली सबको लड़ना पड़ेगा। और आज तक मुझे लग रहा मेरे देश के अंदर कभी भी कोरोना के टाइम में आपने देखा एक रिंगटोन चला था, कैसे हाथ धोए और ये सारी चीज़ें, जो भी अपना मोबाइल फोन लगा रहा था सारी चीज़ें, क्या हमने कभी अपनी देश की बेटियों के लिए ऐसा कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया है कि आपकी बेटी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो किसी और के घर की बेटी भी है, वो कहीं पर भी है स्कूल में, उसकी उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है? कौन सा एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है कुछ चली हैं गवर्नमेंट की योजनाएं, वो 12 साल तक की बच्ची है, कोई बच्ची बर्थ उसका हुआ है तो उसको हम कुछ पैसे दें, ये बहुत सारी ऐसी चली हैं, लेकिन मैं एक पायलट प्रोजेक्ट की बात करें जहाँ पर इन अपराधों के लिए, जहाँ आप एक पैरेलल क्यों नहीं कोर्ट खड़ी कर देते हैं जहाँ पर ट्रायल जो है फीमेल से रिलेटेड केसेस का ही हो, आप एक फीमेल क्यों नहीं ऐसा ट्रायल से लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक एक खड़ी क्यों नहीं एक पैरेलल कोर्ट खड़ी हो सकती है जहाँ पर कि जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है उस क्राइम में विद इन अ 2 मंथ्स विद इन अ 3 मंथ्स फास्ट ट्रैक कोर्ट केस हो करके उनका कन्विक्शन होगा, तो डर पैदा होगा क्योंकि फीमेल के अगेंस्ट तो क्राइम किसी भी जगह हो रहा है, घर के अंदर हस्बैंड के द्वारा उसको अब्यूज़ किया जा रहा है उसके अपने बेड पर, आप सोचिए कितना मैटर है। कि जिस हमारे पास अभी एक केस मैं कर रही हूँ 304B का, डोरी डेथ का केस है, उस बेटी के ससुराल वालों ने सिर्फ 51,000 रुपीज कन्या धन का उसके मायके वालों से लेने के लिए उस बेटी को शादी के 4 महीने के बाद ही मार दिया, और मार उसके बाद उस बेटी को मार दिया, फिर वो अभी तक मुझे लग रहा है जो डिफेंस काउंसिल है उसको 200,00,000 रुपए दे चुके होंगे। तो डोरी डेथ में आप देखेंगे कि जो बेटी अपना एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जा रही है, एक नए लोगों के बीच जा रही है, और वहाँ पर वो किस कमिटमेंट के साथ जा रही है कि इसमें हमें अपनी लाइफ का रिमेनिंग पार्ट इसी घर में बिताना है, वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है? तो कभी कभी जो जस्टिस हमारे एक्स जस्टिस काटजू जी ने जो कहा था कि डोरी डेथ के मैटर में डेथ जो 302 है IPC उस टाइम ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि वो तो और भी हीनियस हो गया, जहाँ हमारा एक ट्रस्ट था कि हमें सेफ सिक्योर करेंगे वही हमें मार दे रहे हैं। बाहर तो हम घर की चार दीवारी के बाहर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन चार दीवारी में जो हमें सोशल और मेंटल फिजिकल सिक्योरिटी देने का वादा करके हमें लेकर के आए वही हमें मार रहे हैं। तो ये मानसिकता उत्कर्ष जी बदलने की बहुत ज़रूरत है।
जितना हम अपनी फीमेल को एम्पावर्ड कर रहे हैं उतना ही मेल के अंदर उन फीमेल के एम्पावर्डनेस को एक्सेप्टेंस आना डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल का ये दौर है। और इसमें इवन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इवन क्रिटिसाइज करने का मुझे नहीं है, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मैरिटल रेप जो है उसको रेप कंसीडर नहीं किया गया। अभी वो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है और जल्दी ही उस पर हियरिंग शुरू होने वाली है और मुझे लगता है विद इन वन और टू मंथ्स में आएगा, क्योंकि मैरिटल रेप को आप रेप नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया है कि वो किसी भी हद तक आपके साथ क्रुएलिटी कर रहा है घर में, तो वो डिवोर्स का तो ग्राउंड हो सकता है, वो क्रुएलिटी का ग्राउंड हो सकता है, लेकिन वो मैरिटल रेप नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे जो पीनल कोड है वो कहता है कि विदाउट कंसर्न, लेकिन एक व्यक्ति को हमने शादी के बंधन में बंध के वो परमानेंट कंसेंट दे दिए कि वो कितना भी क्रुएलिटी करेगा, मेरी डिग्निटी के साथ कितना भी छेड़खानी करेगा, फिर उसका जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग उसका तो वायलेशन हो रहा है। फिर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब रह गया कि आप इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। होपफुली मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जब जजमेंट आएगा तो वहां पर यह चीज होगी कि अगर इंडिविजुअल किसी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो मैरिटल रेप को भी रेप कंसीडर किया जाएगा। हाँ एक चीज है कि कोई इसका मिसयूज ना करे, इसलिए आप भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं उनको इतना ट्रांसपेरेंट, इतना टेक्निकल, इतना इंटेलिजेंट पर्सन को अपॉइंट कीजिए ना कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। तो उनके अब ये होगा कि कोई फॉल्स केस कर रहा है तो उसके लिए आप पनिशमेंट का करिए, आप प्रावधान करिए, आपके पास है अथॉरिटी। लेकिन एक फॉल्स केस के बीच में और एक जेन्युइन केस के बीच में आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं अभी है, क्योंकि हमारी एजेंसियां ऐसी हैं ही नहीं, उनके अंदर भी बहुत सारी एजेंसियों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। मैं पुलिस के केसेस हैंडल कर रही हूँ, बहुत सारे देखा कि एक प्लेस पर कहीं क्राइम हुआ है, चार लोग खड़े हैं, दो कल्प्रिट हैं उसमें और दो देख रहे थे खड़े, वो बचाने उनको भी उन्होंने अक्यूज बना दिया। अब वो क्या करेंगे, उनसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, फिर कहेंगे तुम इतना करो तुम्हारा नाम हटा देंगे चार्जशीट से। ये रियलिटी है, तो रियलिस्टिक ग्राउंड पर काम करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी जो है कि हमारी इस बिटिया को जो वेस्ट बंगाल की है, इस बेटी के एक्चुअल अपराधी कौन है उनको पकड़ा जाना जरूरी है, फास्ट ट्रैक ट्रायल जरूरी है, सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और उसके बाद इस केस में डेथ पेनल्टी से कम कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो ये थी हमारे साथ सीमा समृद्धि जी, निर्भया की, निर्भया को न्याय दिलाने वाली, और अब देश में एक और निर्भया न्याय मांग रही है, पूरे देश के डॉक्टर रोड पर उतरे हुए हैं न्याय के लिए। देखते हैं सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा और उन्हें कब जस्टिस मिलेगा। उत्कर्ष मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए।